कोई शख्स ज़िंदगी में जितनी ख़राबियाँ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 100 बुराइयाँ की, 90 ज़ुबान से करता है और 10 बाकी सारे अज़ा से, तो अगर इसको बचा ले, खामोशी इख्तियार कर ले, या थोड़ा बोले और बेमकसद बात ना करे, सोच समझ के बात करे, तो वो कितना महफूज हो जाएगा। अब अल्लाह ने गीबत को ऐसा गुनाह करार दिया जिससे पिछले किए हुए अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये किससे की जाती है? ज़ुबान से, गुफ्तगू से। और जितने अच्छे अखलाक हैं वो किससे पेश किए जाते हैं? ज़ुबान से। लोगों से खुश अखलाकी से बात करना, सच्ची बात करना, हलीमी से बात करना, तहम्मुल से बात करना, ये सारे ज़ुबान के अवामिल हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अल्लाह से मिला देता है और अल्लाह से दूर कर देता है, जो आपको सारे ज़माने को दोस्त बना देता है, और यही इंस्ट्रूमेंट, यही ज़ुबान आपको सारे ज़माने का दुश्मन बना देती है। आप दुनिया में एक मातूब आदमी बन जाते हैं जिसको हर आदमी, जिस पर लानत भेजता है ज़ुबान।